सिपाही सुनील कुमार द्वारा आत्महत्या करने का मामला मुरादाबाद के मझोला थाना इलाके का है। बताया जाता है कि सुनील कुमार ट्रैफिक पुलिस के पद पर रामपुर में तैनात थे, जबकि उसने अपना घर मुरादाबाद में बना रखा था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सुनील कुमार मानसिक रोग से पीड़ित थे और उनका इलाज भी चल रहा था। इसी बीच आज उन्होंने तमंचे से गोली मारकर सुसाइड कर लिया। सुनील के सुसाइड के बाद पूरे घर में कोहराम मच गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद SSP प्रभाकर चौधरी, SP सिटी अमित कुमार आनंद, SP ट्रैफिक अशोक कुमार समेत पुलिस विभाग के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए। SSP प्रभाकर चौधरी का मानना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है, सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वहीं पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। सुबह मझोला थाना क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि एक हेड कांस्टेबल सुनील कुमार ट्रैफिक पुलिस जनपद रामपुर में तैनात है, इनके द्वारा आत्महत्या किए जाने की बात मालूम चली थी और मौके पर पहुंच के छानबीन की गई तो प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। फॉरेंसिक टीम के द्वारा भी जो आवश्यक एविडेंस है वो इकट्ठा किए गए हैं और परिवार वालों से जानकारी, साथ ही जो मौके पर अन्य चीज़ें पता चली वहां से ये स्पष्ट हुआ कि इनका मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा था। पिछले कई सालों से ये कई बार डिप्रेशन में भी आए थे, जिसकी दवाइयाँ इनके द्वारा ली जा रही थी और जो आगे की विधिक कार्रवाई है वो आगे की जा रही है।